मुजफ्फरपुर में शिवहर सांसद के घर से चोरी देर रात को 2 बजे तक जांच में जुटी रही पुलिस, चालक पर शक की सुई। मुजफ्फरपुर T20 क्रिकेट प्रतियोगिता नरौली सुपर किंग का विजय अभियान जारी, महालक्ष्मी क्रिकेट क्लब को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल पहुंची। मुजफ्फरपुर जिला स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता गर्ल्स अंडर 19 की 100 मीटर दौड़ में पल्लवी ने गोल्ड, वरिया को मिला सिल्वर मेडल। मुजफ्फरपुर में नाला निर्माण में देरी पर बवाल, सड़क पर जमकर हंगामा किया, व्यवसायी बोले कई दिनों से कारोबार ठप है। मुजफ्फरपुर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता दूसरे दिन खो खो, हैंड बॉल, कबड्डी समेत अन्य खेलों का हुआ आयोजन, अंडर 14 में माउंट लिटेरा जी स्कूल रही विजेता। मुंगेर के नव निर्वाचित मुखिया की हत्या, शपथ लेने से पहले नक्सलियों ने मार डाला, पुलिस ने पहले ही घर पर नहीं रहने की दी थी हिदायत। ससुराल में क्रिसमस मनाएंगे तेजस्वी यादव, पत्नी रेचल के साथ दिल्ली जाने पर लोगों में चर्चा, खरमास में भी नई दुल्हन के साथ गए ससुराल। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के पास 15 रुपए में भरपेट खाना, पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए बनाई व्यवस्था, शहरवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण थाली। खरमास बहाना है, काम ही है अधूरा, मुंगेर में गंगा सड़क पुल के अप्रोच पथ का उद्घाटन चला, अब संभावित तिथि 16 जनवरी। बिहार के यूथ के लिए अनोखा काम कर रहे IPS विकास, वैभव बोले यूथ की सोच और भविष्य बदलने की पहल, लेट्स इंस्पायर बिहार। छपरा में महिला शिक्षिका की लाठी डंडे से पिटाई, महिला ने पति पर लगाया आरोप, संपत्ति हड़पने का आरोप, मदद की लगाई गुहार। पत्नी को गोली मार किया सुसाइड, भोजपुर में सुबह परिजन ने दरवाजा तोड़कर देखा तो खून से लथपथ शव मिले, अवैध संबंध का शक। बिहार में 27 से 30 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट, शीतलहर और बारिश से फसल को खतरा, मौसम विभाग ने किसानों को दी चेतावनी। पूर्णिया के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की मॉकड्रिल सफल, जिले में लगाए गए 3 प्लांट, गंभीर मरीज को 20 मिनट के अंदर उपलब्ध होगा। शिक्षा के मंदिर में बिजली की चोरी, मुजफ्फरपुर के JM कॉलेज में 2 साल से टोका फंसा कर चला रहे थे काम, अब आया 37 लाख का बिल। कोविड टीकाकरण में लापरवाही बरतने वाले 5 डॉक्टरों से स्पष्टीकरण, वैक्सीनेशन कार्य में सहयोग नहीं करने का मामला संतोषजनक, जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई। मधुबनी में 15 लाख की शराब बरामद, पुलिस ने छापेमारी में 105 पेटी झारखंड निर्मित अंग्रेजी शराब की जब्त। BSSC पर अब दिव्यांग कैंडिडेट्स ने लगाया आरोप, 7 साल बाद हो रही काउंसलिंग में 3% आरक्षण गायब, ध्यान नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी। भागलपुर में पुलिस तंत्र पर भीड़ हुई भारी, हथियार के साथ दबंगई करने वाले युवक की जमकर हुई कुटाई। नालंदा में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया तेज, 17 से 28 जनवरी तक 675 सीटों के लिए होगी काउंसलिंग शेड्यूल जारी। राजश्री ने तेजस्वी को किया द प्रपोज, नेता प्रतिपक्षी पत्नी बोली बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, यही तेजस्वी को बनाएंगे CM। अब कोर्ट में महिलाओं को 35% आरक्षण की मांग, महिला अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल मिला विधि मंत्री से, कहा सिविल और हाई कोर्ट में भी बड़े महिलाओं की भागीदारी। कांग्रेस नेता के घर में घुसकर बदमाशों ने की गोलीबारी, बेगूसराय में लूटपाट के दौरान महिला को मारी गोली, युवक की पिटाई की, घायल महिला पटना रेफर। इग्नू में PhD के लिए अब 30 दिसंबर तक आवेदन, NTA ने बढ़ाई आवेदन की तिथि, 1 से 3 जनवरी तक होगा आवेदन में सुधार। शराबबंदी में शराब पिएंगे तो लोग मरेंगे ही, समाज सुधार अभियान के तहत गोपालगंज पहुंचे CM नीतीश कुमार, जीविका दीदियों को दिया चेक। पहले टोपी खरीदा फिर व्यवसायी से 4 लाख लूटे, मुजफ्फरपुर में मास्क नहीं मिले पर लुटेरों ने टोपी खरीदा, इसके बाद तीनों ने लूटपाट की। पैसे के लिए मां का मर्डर, आग में फोड़ी, पटना में पैसा मांगने पर मां बोली घर पर घर खर्च के नहीं दूंगी, बौखलाए बेटे ने पीट पीट कर मार डाला। 5 नक्सलियों के खिलाफ NIA ने दाखिल की चार्जशीट, कुख्यात परशुराम सिंह भी शामिल है, हैंड ग्रेनेड और IED बम बनाने का सामान मिला था। 24 घंटे में 13 संक्रमितों में दी कोरोना को मात, बिहार में नए 9 मामले के बाद 82 एक्टिव केस, 24 घंटे में कोई मौत नहीं। ललन सिंह ने पब्लिक ट्वीट कर मांगा ब्लू टिक, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परेशानी देख लोग बोले विकसवा पैसवा लेकर करवा देगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।